आजगोडा की बीपीएससी के सफल अभ्यर्थी निशा रॉय को उनके स्कूल के शिक्षकों द्वारा सम्मानित किया गया। बता दें कि निशा रॉय ने बीपीएससी की परीक्षा में 567वां स्थान लाया है, जिसको लेकर आज भारत भारती पब्लिक स्कूल में स्कूल के प्रबंधक प्रलय सिंह व स्कूल के अन्य शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं स्कूल के प्रबंधक प्रलय सिंह ने कहा कि निशा ने इस स्कूल में 7th क्लास तक पढ़ाई की है, जिसके बाद निशा ने इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय से 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है, जिसके बाद वह घर में ही रहकर पर्याप्त संसाधन नहीं होने के बावजूद भी मेहनत कर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पीपीएससी पास की है। जब कोई माली अपना पौधा लगाता है, जब पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है और पौधा जब परिपक्व होकर फल देने लगता है, तो सिर्फ उसका लाभ सिर्फ वह माली ही नहीं लेता बल्कि बहुत सारे लोग लेते हैं। तो निश्चित तौर से निशा ने अपना फाउंडेशन यहीं से शुरू किया, यहीं पढ़ाई की। और मुझे तो ये बात नहीं याद था, क्योंकि मैं निशा की मम्मी नहीं बताया कि सर आपने ही तो सारा कुछ उसका फॉर्म भरा था, सब सारे सर्टिफिकेट्स कलेक्ट किए थे और यही आप ही के फॉर्म भरने पर एग्ज़ाम दिए और बालिका इंदिरा गांधी जो बालिका विद्यालय हमारे झारखंड में नेतरहाट की तरफ बालिकाओं के लिए, वहाँ गई और वहाँ 4 साल पढ़ी, जहाँ 6th क्लास तक पढ़ी थी। और यह इतनी खुशी है कि उसको शब्दों में कैसी ऐसी चीज़ें जो शब्दों में बयान नहीं किया सकता, उसे अनुभव किया जाता है। और मेरे लिए भी है, निशा के साथ भी एक दोहरी खुशी है भी है कि यह उस बैच की स्टूडेंट है जो मेरी बेटी जो इसकी सहेली है इसी साथ पढ़ती थी, इसलिए यह दोहरी खुशी आती है कि मेरी बेटी की तरह भी है। ऐसे सारे बच्चे जो मेरे स्कूल में पढ़ते हैं मेरे बेटे और मेरे बेटे बेटियाँ की तरह, मैं यही फील करता हूँ, यही अनुभव मानता भी हूँ। इसलिए छोटी छोटी गलतियों पर मैं विद्यालय से नहीं निकालता हूँ, अक्सर कोशिश करता हूँ कि मार पीट करके या थोड़ा सा उसको डांट डपट करके उसको रास्ते पर लाया जाए। पूरे 22 सालों में इस विद्यालय ने किसी बच्चे को इस आधार पर नहीं निकाला है कि उसने बेंच तोड़ दिया, उसने किसी से लड़ाई कर ली, उसने ये कर दिया। छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते, जैसे कि हम लोग अपने बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते, उस तरह मैं भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। हाँ, अनुशासन विद्यालय में रहता है, काफ़ी बच्चे डरते हैं, ये तो सोसाइटी ही बताएगी कि, या फिर मेरे बच्चे जो पास आउट करके गए हैं वही बताएंगे कि प्रलय सर से वो भावनात्मक रूप से डरते हैं कि नहीं डरते। तो निशा का जो अचीवमेंट है रियली बहुत बहुत बड़ी बात है। गोड्डा में रहकर उसने तैयारी की और माँ इसकी जो है, क्योंकि इसके पिता का साया बचपन में इसके सर से उड़ गया था, इसलिए माँ ने ही इसका माँ ही इसके पिता है, माँ ही इसकी माता है। और इसकी बहन एक बड़ी है जो MCA कर रही है, उसने भी ये काफ़ी मदद की है इसको। तो मैं ये कहना चाहूँगा, लेकिन पढ़ना तो आखिर निशा को ही पढ़ा है, मेहनत इसको ही करनी पड़ी है। जो लोग संसाधन का रोना रोते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये रहता तो वो कर देते। मैंने अभी बच्चों को बताया कि वो गार्जियंस को बोलते हैं कि हमको आप ट्यूशन नहीं दिए इसलिए हम अच्छा नहीं कर पाए। इस मिथक को तोड़ते हुए निशा ने ये मुकाम हासिल किया है, इसलिए विद्यालय की गौरव की बात है। और इसके बैच के और सब बच्चे, सारे लोग मेरे से जो बच्चे काफ़ी लोग बच्चे इसके बैच के मेरे से जुड़े हुए हैं, जैसे इसकी दोस्त महरानी है, लॉ कर रही है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सब लोग हमसे जुड़े ही रहते हैं कि जहाँ कोई अगर अचीवमेंट होता है तो हमसे शेयर करते हैं। और निशा की खासियत यह है कि पिछले 12 सालों में कोई ऐसा साल कोई नहीं बीता होगा जब इससे मेरी भेंट नहीं हुई होगी और जब भी इससे फ़ोन मुझे नहीं किया होगा, यह हमेशा मेरे से मिलती जुलती रहती थी। और डिफरेंट तौर से हम एक दूसरे की बात शेयर भी करते थे, तुम ये करो तुम वो करो, और नतीजा आपके सामने है। लेकिन इसके माता के त्याग और इसके बहन के सहयोग को कोई नहीं भुला सकता। इट्स अ ग्रेट प्लेजर एक्चुअली कि मैं यहाँ पर हूँ, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू कि सर ने मुझे यहाँ पर बुलाया और सम्मानित किया। बहुत खुशी की बात है कि मैंने जो एग्ज़ाम निकाला बीपीएससी एग्ज़ाम निकाला और फिर मुझे यहाँ पे आकर सम्मान किया गया, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और ये स्कूल हमेशा मेरे से जुड़ा रहा है, यहाँ की जो ये प्रलय सर से हमेशा मैं जुड़ी रही हूँ, स्वाति से हमेशा मेरी बात होती रही है, तो ये स्कूल से मेरा एक कनेक्शन है। जब से मैं यहाँ से गई मैं इसे बहुत मिस करती हूँ। यहाँ की जो टीचर्स हैं उनके जो मेथड्स थे वो पढ़ाने की वो बहुत मैं मिस करती हूँ अभी भी। तो मैं यहाँ से मैंने जो यहाँ से पाया है उसका काफ़ी मुझे यूज़ हुआ, काफ़ी अप्लाइज किया मैंने उस चीज़ का, जिसकी मुकाम जिसके हेल्प से मैं यहाँ तक पहुँचा। आगे की क्या कुछ तैयारी होगी? आगे मेरी तैयारी यही है कि मैं मुझे जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है RDO पोस्ट की, मैं उसे अच्छे से निभाऊँ और उसके साथ साथ मैं UPSC की भी तैयारी करूँ और उसमें आगे जाकर IAS का एग्ज़ाम देकर मैं IAS बनूँ।